नहीं मिलता। किसी को कामयाबी मिलती है तो किसी को रिश्ते। ये सिर्फ एक डायलॉग है या काजोल की जिंदगी? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू सिने रिव्यू विथ मी श्रीतोमा। और इस हफ्ते मैं वापस आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद एक नए एपिसोड को लेकर, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अबाउट नन अदर दैन फॉर द फर्स्ट टाइम अ सीरीज, अ वेब सीरीज। जी हाँ, काजोल की डेब्यू और उसकी एंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ OTT विथ द ट्रायल, डायरेक्टेड बाय सुवर्ण एस वर्मा। स्टे ट्यून्ड। फिलहाल सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, वेबसाइट्स और चैनल्स में काजोल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसके दो मेन रीजंस हैं। वन इज बिकॉज ऑफ द ट्रायल, ऑब्वियसली ये सीरीज और उसकी डेब्यू इन द वर्ल्ड ऑफ OTT। एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ हर पर्सनल लाइफ एंड द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट हर सेपरेशन। जी हाँ, और इन सब के बीच वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर कॉन्टेक्स्ट इज काजोल की रियल लाइफ कैरेक्टर नयोनिका सेनगुप्ता इन द ट्रायल कैसे काफ़ी डिफरेंट है उनके रियल लाइफ कैरेक्टर काजोल से। जी हाँ, हम देखते हैं द ट्रायल में कैसे नयोनिका सारे झमेलों, चैलेंजेस और सारे एम्बैरेसमेंट और शेम जो उसके पति ने, राजीव सेनगुप्ता ने उसे दिया है, उसे झेलना पड़ा है, इन सब के बाद भी शी स्टिक्स टू हर हस्बैंड, शी डज नॉट लीव हिम। वैसे एक्टर्स का और एक्टिंग एज अ क्राफ्ट का ये बहुत अच्छा है ना? रियल से कब रियल लाइफ बन जाता है और रियल से कब रियल, पता ही नहीं चलता है। बट इवन देन, नेवरदलेस, द ट्रायल में काजोल का रोल है ऑफ द गुड वाइफ। यस, एक ऐसी पत्नी जो ना चाहते हुए भी अपने चीटिंग, करप्ट और परवर्ट पति की हेल्प करती है और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसे बेकसूर साबित करने के लिए अपनी जान लड़ा देती है। अडाप्टेड फ्रॉम द गुड वाइफ, विच इज़ एन अमेरिकन सीरीज जिसको डायरेक्ट और क्रिएट किया है रॉबर्ट और मिशेल किंग ने, द ट्रायल इज अ सॉर्ट ऑफ अ देसी वर्शन ऑफ दैट सीरीज। बट मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक, ये देसी वर्शन ऑफ दैट वेब सीरीज काफ़ी हद तक फेलियर है एक। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज कहानी बहुत सिंपल है और सिंपल होने के बावजूद बहुत कॉम्प्लिकेशंस इसमें ऐड करने की कोशिश की गई हैं। और इन कॉम्प्लिकेशंस का कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट फॉर रियली सूटिंग द सटल एंड फाइन रिफाइंड टेस्ट ऑफ द OTT ऑडियंस। एंड कहानी के सेंटर में अगर आप देखें तो नयोनिका सेनगुप्ता ही है, जो कि एक एक्स लॉयर है जिसको प्ले किया है काजोल ने, और अभी वो एक हाल ही में होम मेकर बन चुकी है 10-12 साल के ब्रेक के बाद, जब उनकी शादी हुई विथ राजीव सेनगुप्ता, प्लेड बाय नन अदर दैन आ बंगाली एक्टर जिशु सेनगुप्तो। ही इज़ ऑल्सो एन एक्स लॉयर एंड फिलहाल वो एक जज बन चुके हैं। ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू बींग अ जज। एंड कहानी में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है, उनके लाइफ में भी वो बहुत बड़ी एक ट्विस्ट है जो कि इस वेब सीरीज़ की शुरुआत है। एंड दैट इज़, राजीव सेनगुप्ता इज़ स्टक इन अ करप्शन केस, जहाँ पे पूरे मीडिया, न्यूज़ चैनल, समाज में, पूरे देश में ये फैल जाता है कि राजीव सेक्सुअल फेवर्स लेते थे ब्राइब की तरह। यस, एंड ऐसी ही एक सेक्स टेप लीक हो जाती है उन्हीं के किसी साथी ने, जो उन्हें बिट्रे करते हैं, उन्होंने ये सेक्स टेप लीक कर दिया है और सारे न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जाता है। एंड मीडिया भी इस न्यूज़ को बहुत बुरी तरह से सेंसेशनलाइज करती है। एपिसोड यहीं से शुरू होता है और सीरीज़ भी इसी पॉइंट से शुरू होता है। बेसिकली इट्स अ बैक कैलकुलेशन एंड अ बैक ट्रैकिंग टू रीच राजीव्स केस एंड सी व्हाट रियली हैपेंस टू हिम। कैसे नयोनिका राजीव को सब कुछ जानते हुए भी एंड खुद हार्ट ब्रोकन और बिट्रेड फील करते हुए भी कैसे वो राजीव को इंसाफ दिलाती है। यस, इंसाफ। इन अदर वर्ड्स, कैसे वो इस घिनौने केस से उसका नाम निकाल देती है। अगर हम नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव भी काफ़ी वाइंडिंग है, कन्वल्यूटेड है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
हम सबको शुरू से पता होता है कि राजीव का केस ही है जो एंड होगी और जो लास्ट में हमें दिखाया जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी द कल्मिनेटिंग पॉइंट, द क्लाइमैक्स ऑफ द सीरीज. बट इवन देन हमें उससे पहले बहुत सारे लीगल केसेस देखने को मिलते हैं जिसे खुद हमारी प्रोटैगनिस्ट नयोनिका सेन गुप्ता, माइंड यू शी इज़ अ जूनियर लॉयर जो 10-12 साल के बाद वापस लौटी है, वो खुद इन सारे केसेस को हैंडल करती है और जीतती भी है. येस, एज मच एज इट इज़ वेरी डिलाइटफुल टू वॉच काजोल, आर मेन प्रोटैगनिस्ट जिसके साथ हमारी सारी सिंपथीज है, उनको जीतते हुए जितना हमें अच्छा लगता है, पर आपको नहीं लगता ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है? मेरे ख्याल से 10-12 साल के बाद आप जब किसी भी प्रोफेशन में वापस लौटते हैं तो आपका स्ट्रगल और चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड लीव असाइड बीइंग सक्सेसफुल, सक्सेस तो पता नहीं आती भी है कि नहीं. और अगर आप देखें तो लास्ट में एकदम सीजन 8 में जब राजीव का केस फाइनली हमें देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है मेरे ख्याल से, क्योंकि शुरू में जितनी भी क्लैरिटी हमें दी गई थी कि राजीव इज़ अ करप्ट लॉयर, ही हैज़ चीटेड ऑन हिज वाइफ, ऑन हिज फैमिली मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल वुमेन, ही इज़ अ करप्ट पर्सन इन जनरल, इन ये सब जितनी भी क्लियर थी हमारे पास, अल्टीमेटली इन द 8th सीन, इन द 8th सीक्वेंस, इट ऑल फील्स लाइक अ वेरी वेरी यू नो क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस. इट फील्स वेरी कन्फ्यूजिंग और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है. यू नो इट्स ओके दैट राजीव वॉज बिट्रेड बाय वन ऑफ हिज कलीग्स बाय अ पर्सन हु वॉज ऑल्सो करप्ट, बट नो वन कैन डिनाई दैट ही टू वॉज अ करप्ट पर्सन, एंड फॉर गॉड सेक ही चीटेड ऑन हिज वाइफ मल्टीपल टाइम्स, हु कैन टेक अवे दैट. लास्ट में हम सबको ऐसे लगता है कि मतलब सारे लोगों की सिंपथीज उसके साथ है, एंड ही इज़ प्रोजेक्टेड एज अ विक्टिम एंड एवरीबडी एल्स इज़ बीइंग अक्यूज्ड, द सिचुएशंस आर बीइंग अक्यूज्ड एंड वी आर इन अ वे बीइंग अक्यूज्ड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग हिम. बट नो, उसके केस का कहीं भी खुलासा नहीं होता एंड इनफैक्ट द ट्रूथ गेट्स हिडन. सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है एंड इट्स नॉट रियली यू नो एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम. और मुझे नहीं पता हम क्यों वैसा कर रहे हैं. द ट्रायल की कैरेक्टराइजेशन पर अगर मैं बात करूँ तो एक ही बात है, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेफर थिन, पेपर थिन कैरेक्टर स्केच, एंड उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है एंड दे हैव नॉट बीन वर्कड अपॉन एज वेल. अगर आप सपोर्टिंग कास्ट को देखें तो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं है कैरेक्टर्स को बनाने में, उनको डेप्थ देने में. पर इन सब के बीच मुझे जिन कैरेक्टर्स ने बहुत इम्प्रेस किया है, यू नो प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग, दैट इज़ शीबा चड्डा ऑब्वियसली, अली शाह एंड कुबरा सायद. इन तीनों ने जितना भी डेप्थ दिया है कैरेक्टर को, इवन इन द मिडस्ट ऑफ दिस पेपर थिन स्केच, इज़ बिकॉज ऑफ देयर वेरी डीप एक्टिंग एंड देयर स्किल दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सो मेनी ईयर्स. अगर मैं काजोल की एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो फिलहाल इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग टेक ऑब्वियसली, बिकॉज वी हैवन सीन काजोल लाइक दिस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, एंड ऑनेस्टली 90s वाली काजोल ही सबके दिमाग में बैठी हुई है. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग अप्रोच टू सी काजोल इन दिस वे. बट अगर मैं उनके कैरेक्टर की बात करूँ तो काजोल्स कैरेक्टर रियली मिसेज द हाई नोट्स. येस, एंड ये इसलिए होता है क्योंकि सारे सीरीज़ में आप काजोल को बस एक गुड वाइफ की तरह ही देखना चाहते हो, आप उसे गुड वाइफ और एक गुड मदर की तरह ही पोर्ट्रे करना चाहते हो, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट विल हैपन, दैट इज़ व्हाट विल कम इन द वे ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर. अगर मैं राजीव सेनगुप्ता की बात करूँ, जीशु सेनगुप्ता, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट, यू नो इट्स नॉट इवन द एक्टर्स फॉल्ट, बट राजीव कौन है ये हमें लास्ट तक पता नहीं चलता है. हम शुरू में देखते हैं वो करप्ट है, बट वॉट इज़ राजीव एज अ पर्सन, हम लोग एंड में भी देखते हैं कि वो करप्ट है, बट वी डोंट रियली गेट अ यू नो हिंट ऑफ हु ही इज़ एज अ पर्सन, वॉट इज़ हिज पर्सनैलिटी, हु वॉट इज़ हिज हार्ट लाइक, वी डोंट रियली गेट इट. और लास्ट में भी जब हम उसे देखते हैं एंडिंग सीन में कि वो स्टेज पर है, यू नो गिविंग अ पब्लिक अपॉलोजी टू काजोल, even there we see that you know it's just a fake person, we don't really get an idea of who he is,
एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी बिग अ फेलियर, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन के नाम पर अगर आप थोड़ी डेप्थ नहीं दोगे, और राजीव सेनगुप्ता इज सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थोड़ी डेप्थ दे देते तो एपिसोड और पूरी वेब सीरीज कहाँ से कहाँ चली जाती। मुझे लगता है पूरे सीरीज में हर जगह पे उसके जो सेक्स वीडियोस, उसके टेप्स जो मल्टीपल वुमेन के साथ और स्पेशली एक ही वुमेन के साथ जो बहुत बार दिखाया गया, इन सब के बीच में अगर इन सबसे ज़्यादा अगर आप उसके कैरेक्टर स्केच, उसकी आर्क को दिखाते, उसको प्रायोरिटाइज करते, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर होता, बहुत बेहतर होता, और द ट्रायल वुड हैव बीन समथिंग रियली अमेजिंग, जस्ट लाइक यू नो द गुड वाइफ, द अमेरिकन काउंटर पार्ट। स्पेसेस और इंटरोगेशन सीन्स ऐसा लगता है कि कट कॉपी पेस्ट अमेरिकन सीरीज से ही लाकर रख दिया है। इनफैक्ट ये सारे सीन्स देखने में अच्छे ज़रूर लगते हैं, पर इन सब में ऐसा जान पड़ता है कि डायरेक्टर भूल गए हैं इन सारे सीन्स को कॉन्टेक्स्चुअलाइज करना। जी हाँ, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इंडियन एक्टर्स को बिठा देने से ही नहीं हो जाता है, बल्कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इन सारे स्पेसेस, सीन्स, सीक्वेंसेस, इंटरोगेशन, जो सारी चीज़ें हैं, नीटी ब्रिटीज है, इन सबको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, एंड वो डायरेक्टर ने बहुत बुरी तरह से मिस कर दिया है। बट इवन देन इट डज लुक नाइस, बट इट्स अनरियलिस्टिक, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो डिनाई एंड इग्नोर द लूप होल। बट इवन देन इन सारे चीज़ों में, इन सारी फियास्को में, जो मेरा एक टेक अवे वो है काजोल एंड हर री एंट्री एंड कम बैक इन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा विथ हर डेब्यू इन OTT। यस, शी डज नॉट नीड टू यू नो होल्ड बैक ऑन एंड रिक्रिएट द 90s सेल्फ, द बबली गर्ल, द चबी गर्ल काजोल, टू बी रेलिवेंट टू आर जेनरेशन। वो इस जेनरेशन के लिए इस रूप में विद दिस पर्सोना एंड ऑरा दैट इज सो काम, कंपोज्ड एंड सो डिग्निफाइड, इसी डिमीनर में वो बहुत अच्छी लग रही हैं, एंड शी इज़ डिलाइटफुल, शी इज़ रिफ्रेशिंग, एंड यू नो शी इज़ हैज़ रेलिवेंट और इवन मोर रेलिवेंट दीज डेज दैन हर 90s सेल्फ, आई वुड से। हैविंग सेड दैट, एक और बात है जो मेरे जहन में आ रही है, वॉट इफ काजोल इज नयोनिका और उनकी कम बैक इस रियल लाइफ में, इस वर्ल्ड ऑफ सिनेमा में हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हर पर्सनल डिस्टर्बेंसेस, यू नो द कॉन्ट्रोवर्सीज दैट वी हैव हर्ड ऑफ। वॉट इफ शी इज नयोनिका सेनगुप्ता इन रियल लाइफ। जैसे मैंने बोला, रियल कब रियल बन जाता है और रियल कब रियल, पता ही नहीं चलता है एक्टर्स की दुनिया में, और बॉलीवुड की दुनिया वो तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। खैर, वो तो हमें वक्त ही बताएगा, और अभी तो हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता चलेगा, बट टिल देन आई वुड टेल ऑल ऑफ यू गाइज टू गो एंड वॉच द ट्रायल विच इज़ द काजोल स्टारर, जो अभी स्ट्रीम कर रही है Disney+ Hotstar पे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, जाते वक्त प्लीज़ हमारी YouTube चैनल, सिने की YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सिने की सारी सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर लाइक करें, ताकि हम और भी ऐसी कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।